बेस्ट न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, मैं पूजा और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज के दिन की शुरुआत की खास खबरें, जिसमें हमारा उद्देश्य होता है कि सच्ची घटनाओं से आपको रूबरू करना, जिससे आपका दिन शुभ जाए। आइए देखते हैं आज की खास खबर। घरेलू कहल से परेशान पति ने गहरी नींद में सो रही पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी पति अपने गाँव में छिपा हुआ था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी मिनहान अंसारी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि उसकी पत्नी अक्सर उसके साथ गलत व्यवहार करती थी। यह सब देखकर उसके बच्चे भी उसको कोई महत्व नहीं देते थे। जब भी वो घर आता था तब उसकी पत्नी उसके साथ लड़ाई ही करती थी। रोज रोज होने वाली लड़ाई झगड़ों से वो बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस वारदात के बाद पुलिस ने रविवार को आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और मामले को अंजाम दे दिया। के दिन झारखंड की राजधानी रांची में दो बच्चों की मां की उसके ही पति के द्वारा गला काटकर हत्या कर देने से सनसनी मच गई। घटना कांके थाना क्षेत्र के सुकरहुटू की है। देर रात हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने रविवार को आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मिनहाज अंसारी ने अपनी पत्नी जुलेखा खातून की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी। 40 वर्षीय जुलेखा खातून के दो बच्चे हैं। कांके थाना प्रभारी ब्रज कुमार ने बताया कि पारिवारिक विवाद में यह हत्या हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद करीब घंटे भर के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी मिनहाज अंसारी हत्या करने के बाद अपने गांव में छिपा हुआ था। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसकी पत्नी अक्सर उसके साथ गलत व्यवहार करती थी। यह सब देखकर उसके बच्चे भी उसको कोई महत्व नहीं देते थे। जब भी वो घर पहुंचता था उसकी पत्नी उससे लड़ाई करती थी। रोज रोज होने वाले लड़ाई झगड़ों से वो बहुत ही तंग आ चुका था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। मिनहाज ने बताया कि शनिवार की रात सोने से पहले उसने अपने सिरहाने तलवार रख ली थी। देर रात जब उसकी पत्नी जुलेखा खातून गहरी नींद में सो रही थी, उसने तलवार निकाल कर एक ही वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मिनहाज ने अपने भाई को इसकी जानकारी दी। क्योंकि आरोपी हमेशा नशे में धुत रहता था, इसीलिए परिवार वालों ने उसकी बात को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। सब ने इसे मजाक समझा, मगर जब उन्होंने घर पहुंचकर दरवाज़ा खोला तो अंदर सुलेखा खातून की खून से सनी लाश देखी, जिसके बाद उन्होंने कांके थाने को इसकी सूचना दी। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और बताएंगे आपको देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।